subscribe my channel and be my best friend, and do hit the bell icon to stay notified about my latest videos and updates. वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, जो कि है इल्यूमिनेटर या इल्यूमिनाइजर, हाइलाइटर, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास है मरीलू मैनेजर का हाइलाइटर। एक्चुअली ये है द बाम कॉस्मेटिक्स का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे द बाम स्टोरी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो या आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी आउटर पैकेजिंग है लुक लाइक दिस। इस पर लिखा हुआ है मरीलू मैनेजर, ठीक है, और ये द बाम कॉस्मेटिक्स के, जैसे कि आप देख रहे हैं द बाम स्टोरी यहाँ लिखा हुआ है। आपको मिलेगा 8.5 ग्राम प्रोडक्ट, ठीक है। बैक साइड पे देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो लेटर लिखा हुआ है, और तकरीबन 10 लोगों के यहाँ पे आपको दिखेंगे फिंगरप्रिंट। सो इस अच्छे खासे लेटर में द बाम कॉस्मेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, द बाम SFCA और इनका USA वगैरह का लिखा हुआ है, द बाम कॉस्मेटिक्स LTD और www.thebalm.com इनकी जो है वो ID लिखी हुई है, मेड इन USA, ठीक है। इसका मेड इन लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो है वो 10 वार्निंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, डिसकन्टिन्यू यूज़ इफ साइंस ऑफ इरीटेशन ऑफ और रेश अपियर, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई रेशेस वगैरह हो रहे हों, या कोई इरिटेशन वगैरह हो रही हो तो आप इसको फ़ौरन से हटा दें, और ये जस्ट एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं। यहाँ पे आप इसके देख रहे होंगे सारे जो है वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, मरीलू मैनेजर द इल्यूमिनाइजर, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्कैनिंग कोड वगैरह दिया हुआ है, स्कैन हियर द वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। इस पर वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो आप इसको स्कैन कर सकते हैं इसका, तो आप ये देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रंट पे इसका कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। आपको प्रोडक्ट मिलेगी 8.5 ग्राम, ठीक हो गया। सो ये हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग। अब हम इसकी देखते हैं इनर पैकेजिंग। सो गाइस, जिस तरीके से फ्रंट पे यानी कि इसके बॉक्स पे जो है वो जिस तरीके से दिया हुआ है, इसी तरीके से अंदर से भी ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसका नेट वेट वगैरह लिखा हुआ है इसी ही, और ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में है। ऑल राइट, अभी मैं इसको इस तरीके से, ये यहाँ से खुलता है। सो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से खुलता है। अच्छा जी, आपको यहाँ पे मिलेगा एक बहुत ही अच्छे साइज़ का जो है वो अच्छी सी क्वालिटी का यहाँ पे आपको मिलेगा मिरर, और ये है कुछ हाइलाइटर जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आप देख सकते हैं। सो इसका स्वॉच मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरीके का है। बहुत ही खूबसूरत हाइलाइटर है, ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट एंड माइल्ड, ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है, ये देखें आप, बहुत ही हसीन है। अच्छा, आप उसको तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एज़ अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ आई शेडो इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे हाइलाइट करने के लिए, और इसको आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका स्वॉच भी मैं भी आपको अपने हैंड पे भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। सो गाइस, इसका स्वॉच है कुछ इस तरीके से, जब कि आप अपने फेस पे लगाते हैं तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत ये दिखता है। सो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फाइन है, कोई इसके अंदर चंक्स वंक्स नहीं है, मोटा मोटा जो ग्लिटर होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फाइन है। अपने फेस पे लगाएंगे आप, बहुत ही हसीन दिखेगा। और इसमें दो शेड्स आते हैं, एक ये शेड आता है और एक लाइट सिल्वरिश गोल्डन टाइप का आता है, तो ये दो शेड्स इसमें जो है वो अवेलेबल हैं। तो एक बार फिर मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ इसका, तो आप ये देखें फिंगर पे भी ये देखें कि ये कितना, और ये बिल्डेबल है। सो गाइस, ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। वैसे ये $24 का है, और पाकिस्तान में ये दराज पर भी अवेलेबल है, और दूसरी जो इंडिया में भी जो वेबसाइट्स हैं ये तमाम वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आपको जो है वो मार्केट्स वगैरह में भी ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो या गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो मेक श्योर लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज़, कमेंट में लाजमी बताया करें वीडियो कैसी लगी, मज़ीद आप किस जो है वो
किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। एंड दुआ में याद रखिएगा।